नमस्कार, ओके क्रेडिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज है मेरे हाथ में एक पेंसिल बॉक्स। और इस पेंसिल बॉक्स में क्या है, कोई गेस करेगा? गेस करने की क्या जरूरत है भाई, पेंसिल बॉक्स में वही चीजें होती हैं जो हर पेंसिल बॉक्स में होती हैं। पेंसिल है, शॉर्पनर है और एक छोटा सा इरेजर है। है तो ये छोटा सा लेकिन बड़े काम का है। हाँ, ये इरेजर जो है ना बड़े काम का है। ये इरेजर इसलिए काम का है क्योंकि इरेजर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत कम लागत लगती है और बिजनेस अच्छा फलता फूलता है। क्योंकि इरेजर एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस्तेमाल करता है, स्टेशनरी पे रखने वाला शख्स भी इस्तेमाल करता है, इवन मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। जब लिखती हूँ तो कुछ गलत हो जाए, या पेंटिंग करने का भी थोड़ा बहुत शौक है तो पेंटिंग करती हूँ तो वो भी गलत हो जाए तो मिटा देती हूँ, वैसे मिटाती ज़्यादा हूँ। तो इरेजर बहुत काम की चीज़ है, तो आज इरेजर के बिजनेस पर बात करेंगे। इरेजर बड़ी आसानी से नेचुरल रबड़ के इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है। इरेजर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए काफी कम लागत लगती है। अगर आप भी अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर बात करें इसके बिजनेस स्कोप की तो ये सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। अगर ध्यान दें तो इरेजर का इस्तेमाल टेलर्स, बुककीपर्स जैसे लोग भी रोजाना करते हैं। इसलिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है तो आप आसानी से मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं। किसी भी अन्य आइटम के प्रोडक्शन के मुकाबले इरेजर का प्रोडक्शन काफी इजी है। यहाँ पर आप अधिक से अधिक 2-3 रॉ मटेरियल के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं। हालांकि ये क्लियर रखें कि आप किस तरह का रबर बनाना चाहते हैं और आपकी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। एक छोटा सा इरेजर बनाने के लिए कितनी जगह लगती होगी? इतनी सी? देखिए, एक छोटी सी इरेजर मेकिंग यूनिट बनाने के लिए आपके पास लगभग 1,000 square feet जगह होनी चाहिए। बिजली और पानी की उचित व्यवस्था के साथ परिवहन का भी सही प्रबंध होना चाहिए। स्पेस मैनेजमेंट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रॉ मटेरियल, मशीन, फिनिश्ड आइटम्स, वर्क्स आदि सभी के लिए जगह निर्धारित होनी चाहिए। आपकी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इरेजर मेकिंग मशीन में जाता है। मशीन की कॉस्ट उसकी क्वालिटी और प्रोडक्शन क्षमता पर डिपेंड करती है। ध्यान रहे, मशीन किसी भरोसे के सप्लायर से ही खरीदें और खरीदने से पहले उसकी वारंटी अवश्य जांचें। रबर मिक्सिंग, रोल मिल, हाइड्रोलिक प्रेस, कटर ग्राइंडर, स्टंपिंग मशीन जैसी अन्य मशीनरी का उपयोग इरेजर मेकिंग में किया जाता है। अमूमन इस प्रोसेस में सबसे जरूरी रॉ मटेरियल नेचुरल रबर होता है। इसके साथ स्टार्च, पेट्रोलियम, वल्कनाइज्ड वेस्ट, फैक्टस एब्रेसिव, लिथोफोन और सल्फर आदि का भी इस्तेमाल होता है। आपको पैकेजिंग के लिए अलग से रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा। आप चाहें तो हर पीस अलग पैक कर सकते हैं या फिर होलसेल के लिए इकट्ठा भी पैक करा सकते हैं। इरेजर बनाने के लिए सबसे पहले नेचुरल रबर को सल्फर छोड़कर अन्य केमिकल्स के साथ मिक्सिंग डबल रोल मिल्स में कूचें। जब पहली मिक्सिंग पूरी हो जाए तो सल्फर मिलाएं और मिक्सिंग तब तक चालू रखें जब तक एक इन सभी की एक मोटी परत ना बन जाए। अब इसे मशीन पर या इलेक्ट्रिक हीटेड या हाइड्रोलिक प्रेस में वल्कनाइज या सख्त करें। बस अब सख्त होने पर इसे मनचाहे साइज में काटें और स्टंप करें। अलग अलग प्रकार के इरेजर में अलग अलग प्रकार का मटेरियल लगता है। अंत में सबसे जरूरी बात, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, सेटअप करने में उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अतः अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। आप MSME उद्योग आधार के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो देखा आपने, इरेजर मेकिंग का बिजनेस भी इतना मुश्किल नहीं है। वैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर इरादे पक्के हों तो। और आपको ये भी इरादा करना है कि आपको हमें सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं, कौन सा बिजनेस ऐसा आप शुरू करना चाहते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहली अपडेट पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, बिजनेस मुश्किल नहीं है, बस करने के लिए आपको इरादा चाहिए। बाय बाय। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।